जगत हो, राजनीति हो या क्षेत्र हो, व्यापार, जुर्म, फरेब की हर गली से गुजरे जो कह के खबरदार, झूठ का पर्दाफाश करेगा सच का पहरेदार, हर तरह की खबरें लेकर पेश है मुंबई रफ्तार। नमस्कार, मैं हूं सैयद शादमा और आप देख रहे हैं मुंबई रफ्तार न्यूज। We are not here to debate the numbers and strategy.
अरे आई जस्ट लाइटन मैम, आई जस्ट लाइटन द एटमॉस्फेयर. मैंने मी टू हैशटैग मी टू की एक बड़ी अच्छी परिभाषा बनाई, आपको सुन के मजा आएगा. इसमें पुरुषों के जहरीले पुरुष का डिमोनेटाइजेशन. अब कम से कम इस मूवमेंट के बाद हम लोग थोड़ा जो पुरुष प्रजाति है थोड़ा डरने लगी है. हम लोग मतलब एंड वी आर बैक टू द डेज व्हेन वी हैव टू वू अ वुमन. वेयर इज दैट ओल्ड टैलेंट वेयर आई कुड जस्ट वॉक अप टू अ वुमन एंड वू हर टू गेट इन टू माई लाइफ. अब तो क्या है ना, ये जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी इज टेकन ओवर सो मच, ये जिम जा जाके और हार्मोन्स के इंजेक्शन लगा लगा के और फुला फुला के अपना शरीर ये हाथ डाल लेते हैं सीधा, और बात करने की तमीज नहीं रह गई है. तो कुछ गलतियां हमारी भी हैं, तो आप हमको थप्पड़ मारने से संकोच मत करिए, आप खुल के बोलिए. और कुछ भी आगे बढ़ाने से पहले मैं आप जो फिल्म इंडस्ट्री से लोग यहाँ आए हैं उनको बता दूं, इसके नोट्स लिए जा रहे हैं, और एक बार चुनाव खत्म हो जाए इस पे आई एम गोइंग टू टेक दिस अप विद द हाईएस्ट अथॉरिटीज इन द गवर्नमेंट एंड वी आर गोइंग टू डू समथिंग अबाउट इट. So please don't hold back. If anyone of you have any more suggestions, stories to contribute, please. Anurag, what you're going to do with the government? It's a committee. It's a complete system. Because the system let me finish. The entire entertainment system, it's not only about film industry. Entertainment is a very big industry. How you get it channelized? How you feel that everybody in the industry, it's not only about actor, actresses, models, it's about the even makeup artist, even the hairdresser, even the people from the community, which even I belong, and that's why you want me away. I can't be an ornament for your program, sorry. But when I'm over here, it is necessary to me, I have to give bahut zaruri hota hai ki kisi ka manushya hone ka vajood na chhina jaye. Wo, what is that person's everybody's space has to be decided, respected, and seen to it that how we restore the human side of every dignity, every human's dignity, and that how we speak to the government. Do we want the entire entertainment industry to be channelized proper by the government? क्योंकि कहीं ना कहीं किधर ना किधर ऑफकोर्स बॉलीवुड में तो गुंडागर्दी चलती रहती है. आई एम अ स्टार देन आई विल रूल द वे आई वॉन्ट टू डू माई फोर जनरेशन. यहाँ भी तो चल रही क्या कहते हैं उसे पॉलिटिक्स में क्या कहते हैं नेपोटिज्म. हाँ डायनास्टिकल. तो द एंटायर बॉलीवुड इज डायनास्टिकल है ना. और यहाँ पे कोई नेपोटिज्म ऑफकोर्स आई फॉरगॉट दैट वर्ड. बट नेपोटिज्म इज नॉट अ private sector word. अगर बाप अपने बच्चे के लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा. That is fine. But of course when you talk in politics also, I have seen beautiful artists in my community. But वो आज भी घूमी. Now the industry and reality shows are calling transgender only for tokenism. Like Kohinoor was there in Saregama and she was a beautiful singer. She was removed from the show, eliminated, which was not necessary. She could have gone to the finals. And when I asked one of the judges, she doesn't require the stage. She is herself very famous. So this Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! That's the jazba. We must travel to the last soldier standing on the front, whether the front is at peace or whether the front is at war. My humble submission to Vice Admiral Karve ji, sir, I humbly request you to kindly come on the stage. Abhay ji, I request you to kindly come on the stage. Abhay Karve ji, इन्होंने जितना देखा है हम तो सात जन्म भी लेंगे शायद देख नहीं पाएंगे. सर, यू हैव बीन अ वॉरियर एट सी. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. यू वांट टू गिव योर मोमेंटो. कैन वी हैव द मोमेंटो प्लीज. शाम का शबे रात बुजुर्गों को सुकून मिले इसकी इबादत का है. मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं मुंबई के लोग, महाराष्ट्र के, भारत के और दुनिया के लोगों को देता हूं. आज इस कार्यक्रम के अंदर कला जगत के तरह तरह के और रक्षा जगत के लोग आए हैं. इस समय देश में लोकतंत्र का एक दंगल हो रहा है. एज ए इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक के नाते,
अपना क्या रोल प्ले करेंगे। हर प्रोफेशन में अपनी कुछ समस्याएं भी होती हैं, जहां उसकी चर्चा होगी वहां पर ये पक्का है भारत आर्थिक दृष्टि से फर्स्ट 7 कंट्रीज में, शक्ति की दृष्टि से फर्स्ट 4 कंट्रीज में आज खड़ा है। 26/2 को भारत ने जो पाकिस्तान को सबक सिखाया, उस समय पहले डोकलम से जो चीन को हटाया, उसका भारत में और दुनिया में एक विचित्र प्रभाव हुआ है। 26/2 को पिछले 70 साल में भारत कभी ऐसा मुस्कुराया नहीं था जब बिना किसी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक किसी भी नेता की कॉल के बिना लाखों स्थानों पर करोड़ों करोड़ भारतीय भारत माता की जय मना बोलकर खुशियां मना रहे थे। मैसेज था, जो इस दिन नहीं मुस्कुराया वो बदकिस्मत हिंदुस्तानी है, जो इस दिन मुस्कुराया वो खुशकिस्मत हिंदुस्तानी है। और मीडिया ने इसको बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट भी किया, इसके लिए मीडिया को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इंटरनेशनली दुनिया में 56 इस्लामिक देश हैं, पाकिस्तान इस्लामिक देशों से बाहर खड़ा हो गया। किसी भी मुस्लिम देश ने सहानुभूति में भी उसको फ़ोन नहीं किया और भारत मुस्लिम देशों का सरताज बन गया। इसके कारण आज भारत में सोच बदलने का एक प्रक्रिया का जन्म हो गया है। ईसाई देश यानी वेस्ट और यूरोप, मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।